वेलकम बैक टू द कैनेडियन फीवर चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कैनेडियन फीवर के एक और फ्रेश न्यू वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ 27 अगस्त 2022 के लिसनिंग एंड रीडिंग के आंसर इवनिंग स्लॉट के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी बता देना चाहता हूँ, तो ज़रूर से चैनल को वीडियो को सबसे पहले लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही आप अपने इंडिया में नहीं, जब आप कैनेडा में होंगे, जब आप अपने GT के लिए आज प्रिपेयर कर रहे होंगे, तब भी ये चैनल आपकी बहुत हेल्प करने वाला है आपके डिज़ायर बैंड करने के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं बता देता हूँ कि हो सकते हैं कि आंसर जो हैं इसके सीक्वेंस थोड़े गलत हो सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं, या फिर हो सकते हैं कि ये आंसर कुछ गलत हो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जितने भी आंसर हैं आप ही जैसे स्टूडेंट्स ने जिन्होंने एग्ज़ाम दिया उन्होंने शेयर किया, उनका डाटा कलेक्ट करके आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनके आंसर पूरी तरह करेक्ट होंगे, हो सकता है आपका आंसर करेक्ट हो। तो प्लीज़ अगर जो आपको लगता है आंसर गलत है कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि और कोई बच्चा आता है तो उसको हेल्प हो जाए। चलिए अब बात करते हैं लिसनिंग के आंसर की। फर्स्ट आंसर की आंसर था 12 वीक्स इंटेंसिव फाइट सोशल रैट्स मॉडल 12504500 4th आंसर। फिफ्थ इज प्रिस्टिजन, फिर उसके बाद कार्टून था, फिर सिक्स्थ आंसर पेंसिल, टेंथ आंसर पार्क, सेवन्थ आंसर कॉम्पिटिशन फेस सुपरमार्केट, 31st नेट फिर रैट्स, 33 अवे वॉकिंग, 36 न्यूज़पेपर, 38 विसल, इसका हमें आंसर नहीं पता है कौन से नंबर पर था, सोशल स्माइल फाइट 40 इंसेंटिव 27A 28A 29D 30H आंसर था। चलिए अब बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। रीडिंग की बात करूं तो सबसे पहले पैसेज वन की बात करें, फर्स्ट आंसर यूजुअल था, सेकंड आंसर सस्टेबल था, थर्ड आंसर स्ट्रीम था, फोर्थ आंसर स्ट्रिपल था सॉरी स्लीपर था, फिफ्थ आंसर लाइट था, सिक्स्थ आंसर न्यूट्रिएंट्स था, फिर उसके बाद एक ओवन आंसर था, सेवन्थ आंसर ट्रू था, एट्थ आंसर ट्रू था, नाइन्थ आंसर फॉल्स था, ट्वेल्थ आंसर नॉट गिवन था सॉरी टेंथ आंसर नॉट गिवन था, इलेवंथ आंसर नॉट गिवन था, ट्वेल्थ आंसर फॉल्स था। अगर पैसेज टू की बात करें तो 14 आंसर बी था, 15 ए था, 16 एफ था, 18 और 19 सी ई था। आप इसे किसी भी ऑर्डर में लिख सकते थे। अगर 21st एंड 20 की बात करें तो बी डी था, अगेन आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। उसके बाद कॉन्फिडेंस बस मैजिक गवर्नमेंट्स एक्सपेंसिव। थर्ड पैसेज की बात करें इसके सीक्वेंस बिल्कुल ही नहीं पता है, तो एक का आंसर बी था, सेकेंड ए, थर्ड सी, नॉट गिवन, नो, यस, नो, यस। तो उम्मीद करता हूँ आपने नो यस ही लिखा होगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे ट्रू फॉल्स में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं तो वो गलत कर जाते हैं, तो यहाँ पर यस नो थे। तो मेक श्योर कीजिएगा आपने सही लिखा होगा, और मैं उम्मीद करूँगा सभी बच्चों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ था। जैसा कि मैं बात करूँ मेरे स्टूडेंट्स के, जो मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे बताया वो कह रहे थे कि एग्ज़ाम बहुत ईजी था, सुपर डुपर ईजी था एग्ज़ाम। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को भी ईजी लगा होगा और आप जल्द से जल्द अपने डिज़ायर बैंड अचीव करेंगे और अपनी ड्रीम कंट्री मूव कर जाएंगे। और तब तक लिए मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक है आप सभी के एग्जाम के लिए। और वीडियो क्लास में आप सभी को दिए गए हैं राइटिंग टास्क वन एंड टास्क टू के क्वेश्चन एंड प्लस सैंपल आंसर। तब तक लिए बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू स्टूडेंट्स।